हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सबट्रैक्शंस का टॉप 10 क्वेश्चन करवाए थे, जो आपको कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। अगर आप ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल का या मिलिट्री स्कूल का या किसी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पर भी आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप यूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या मिड टर्म एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पे भी एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। और इससे पहले कि अगर लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है, जैसे बच्चों मैंने आपको सब्ट्रैक्शन का करवाया है, एडिशन का करवाया है, रोमन नंबर का करवाया है, नंबर सिस्टम का करवाया है, तो इन सब का अगर आपको एमसीक्यूज यानी मल्टीपल क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, तो चैनल पे विजिट कीजिए। और चैनल पे विजिट करने के बाद टॉप 10 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। वहां पे बच्चों चैप्टर वाइज में टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हीं के बेस में से मैंने क्वेश्चंस बनाया है, जिसे कि आपको अच्छे से एकदम फील के साथ समझ आए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। वैसे बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर सेपरेट भी बना रखा है, अगर आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो आप कॉन्सेप्ट लेक्चर को जाइए और वहां को उनको चैप्टर वाइज आप देख करके अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर, राइट। ये मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि जो बिकॉज कॉन्सेप्ट जो ना कॉन्सेप्ट जो है बच्चों आपके लिए पावर का काम करता है। बहुत ही एनर्जी मिलेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर होता है, तो आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से सॉल्व होता है और आपको एक अंदर से फीलिंग आता है कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अंदर से जो विल पावर है ना वो और स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बहुत मजा आता है मैथ्स को सॉल्व करने, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। ओके, चलिए तो आज कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके नॉर्मल तो आपने पढ़ा नहीं होगा, बट हाँ कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स देंगे तो इस तरीके क्वेश्चन से आप इंट्रोड्यूस जरूर हो जाएंगे, है ना। कैसे, जैसे अगर आप बच्चों ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएमओ का कर रहे हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय का, कोई भी स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। चलिए तो देख लेते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। सबसे अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन इंटू मल्टीप्लाइजर्स क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंस होता है, सम होता है, एडेंड होता है। देखो ये तो बच्चों डेफिनेटली नहीं होता, सम तो होगा नहीं, डिफरेंस तो होगा नहीं, तब होगा क्या सर? ऑब्वियसली प्रोडक्ट ही होगा। यानी आप देखो एक एग्जांपल से देखूं तो 3 मल्टीप्लाइजर 2 इसको क्या होता है 6। तो देखो 3 जो है ना हमारा, इसको हम लोग मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं और इसको हम लोग मल्टीप्लाइजर बोलते हैं और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है, आप चाहे इसको याद कर ले, मल्टीप्लीकेशन इंटू मल्टीप्लाइजर इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट। ये लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख दिए? लिख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला, बहुत काम की चीज है। वैसे नॉर्मली आपके स्कूल में पढ़ाते नहीं है, बट हाँ आप इसे याद कर ले, क्या मल्टीप्लीकेशन इंटू मल्टीप्लाइजर इज कॉल्ड प्रोडक्ट या इक्वल टू प्रोडक्ट। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें आपको घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कभी मल्टीप्लीकेशन के केसेस में पूछा जा सकता है, कभी मल्टीप्लाइजर के केसेस में पूछा जा सकता है, और मल्टी प्रोडक्ट के केसेस में अभी आपको पूछ ही लिया, ठीक है। तो समझ आया क्या, क्लियर हुआ क्या? अच्छा ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपीटेड एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन क्या है? तो देखो आपको मैंने जब इसके कॉन्सेप्ट लेक्चर बताया था, तो वहां पे मैंने क्रिस्टल क्लियर किया था आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में कि मल्टीप्लीकेशन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिपीटेड क्या होता है? एडिशन का होता है। किसका होता है? एडिशन का होता है। जैसे देख लो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे 3 + 3 + 3 तो क्या लिख सकते हो? 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यही तो है रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, या अगर आपसे पूछा भी जाता है व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन, तो आप ये कह सकते हैं रिपीटेड एडिशंस आर कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो वही मैंने आपको भी करके दिखाया, तो आप यहाँ पे एडिशन में टिक कर सकते। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से एक करेक्ट है, मैंने कर दिया। चलिए आगे बढ़े। ओ
क्वेश्चन देखो, कह रहे 43,234 में अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज है कि किसी भी नंबर में आप अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वो सबको क्या बना देगा, जीरो बना देगा, यानी लड्डू बना देगा, लड्डू गोपाल बना देगा। कब? जब आप जीरो से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को, ये प्रॉपर्टीज है। इसलिए मैंने ये सारे कंसेप्ट का एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप चाहे तो कंसेप्ट लेक्चर विजिट करके देख सकते, प्ले लिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आपको ऑप्शन में है, यस सी है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे, इन्हीं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं, जिससे कि उसका रिजल्ट नहीं होता। तो आपको इन सभी कंसेप्ट को समझना चाहिए और कंसेप्ट को समझ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी चाहिए, बहुत मजा आएगा और फील भी आएगा अच्छा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अब देखो 66 में 1 से मल्टीप्लाई करना, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ आता है, जिस भी नंबर में। जैसे मान लो अभी हमने क्या किया, 66 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 66 होगा। अगर आप मान लो 932, अगर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 932 ही होगा। मतलब किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा। इसमें देखो है, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर आ रहा है कि नहीं, अच्छे से आ रहा है, ओके दैट्स गुड। चलो अगला देखते हैं क्या है, पिक द ऑड वंस आउट। अच्छा अभी इसमें से कोई, देखो ये एक सीरीज दे रखा है, इस सीरीज में से कोई एक ऐसा है जो अलग है, उसे चुनना है। देखो पहला में 5 है, दूसरा 10, 15, 20 और ये 24 है। तो देखो 24 ही तो अलग है बच्चों, इसमें 5 ऐड हो रहा है, ठीक है, इसमें भी 5 ऐड हो रहा है, यानी 5 कम यहां तक तो ठीक है, बट यहां पे 25 आना चाहिए, बट ये 24 आ गया, तो दिस इज द राइट आंसर। यही है जो अलग है, 5 तो ठीक है, ये तो आता ही है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट दिस इज द नॉट, ये नहीं आएगा ना, तो यही आपका क्या होगा आंसर, डी क्या होगा, 24, दिस इज द आंसर। यही जो है इस तीनों से अलग है, ये तीनों जो है 5 का मल्टीपल्स है, बट 24 जब वो 5 का मल्टीपल में नहीं आता है। तो यही हमें कह रहा है कि कौन इसमें से अलग है, तो मैंने ये ढूंढ लिया, आपको भी ऐसे ही ढूंढना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पिक द ऑड वंस आउट। अच्छा यहां पे भी वही, देखो यही चीजें यहां पे भी ढूंढना है। देखो क्या है, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55। देखो बच्चों ये पार्ट और ये पार्ट तो सब सेम है टेबल का, 11 1 जा 11 2 जा 11 3 जा 11 4 जा 11 5 जा। देखो ये 11 1 जा 2 जा 3 जा, ये वैल्यू जो है ना मिसिंग है, यहाँ पे 32 दे रखा है, तो दिस इज द राइट आंसर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये तो है ही मल्टीपल्स, ये भी मल्टीपल्स, ये यही है, 32 ही ऐसा नंबर्स है जो इसके मल्टीपल्स नहीं है। तो दैट इज द आंसर, बिकॉज क्वेश्चन ये पूछ रहा है ऑड वंस क्या है, इन सभी में से कोई अलग है उसे ढूंढिए, तो हमने ढूंढ लिया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्या है, एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट एंड दैट बाय द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। अच्छा देखो कह रहे कि इसे आपको 693 एंड 312 को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, एस्टिमेट करके प्रोडक्ट करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स का। ठीक है, तो देखो अगर मैं हंड्रेड्स की रेंड ऑफ करता हूं तो हमें 10 प्लेस को देखना पड़ता है। ठीक है, तो 693 तो हमें इसका डिस्कवर राउंड ऑफ करना पड़ेगा 10 प्लेसेस को, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 700 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसका राउंड ऑफ करूं 312 का राउंड ऑफ करूं नियरेस्ट 100 क्या है, तो 10 प्लेस को चेक करना पड़ेगा, तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 7 3 21 और ये क्या होगा 40 लगा दो, खत्म, 2 2 4, अब ये आपके रिजल्ट आ जाएगा। ये है क्या, यस है, देखो सिंपल कितना इजी है। अब यही बच्चे क्वेश्चन को घुमा जाएगा, घूम जाएगा कि सर क्या पूछ दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट तो आता ही नहीं है, देखो कुछ है ही नहीं बच्चों, समझिए बात को, कह रहे एस्टिमेट करो, एक अनुमान लगाओ क्या
the product of that number and that by rounding of the numbers to nearest hand. यानी इसका nearest 100 का multi round off करें, इसका भी nearest 100 का round off करें और जो value आता है उस value को multiply करें. मैंने भी वही किया, इसका round off ये लिया, इसका round off ये किया. क्योंकि आपको पता है 100 का है तो 10 place को check करते हैं, 10 place को check किया गया. अब हमने क्या किया, 700 को क्या किया 300 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 7321 और ये 40 लगा दिया. ठीक है, तो यही एक पार्ट है, दिस इज द आंसर. ठीक है, कितना इजी है, कितना बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से कर नहीं पाते हैं तो उनका अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है और कहते हैं सर हमें तो मैथ में बहुत प्रॉब्लम है. बिकॉज प्रॉब्लम इसीलिए है बच्चों क्योंकि आप कंसेप्ट को नहीं पढ़ते. कंसेप्ट पढ़िए फिर आप क्वेश्चन खुद भी इंटररिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और क्वेश्चन बना पाएंगे. और जब आप जिस दिन क्वेश्चन बनाने लग गए ना तो उस टॉपिक से तो कभी डाउट होगा ही नहीं आपको. ठीक है ना, समझ आ गया ना. ओके चले नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है देयर आर 79 कैरन्स इन वन बॉक्स. ठीक है, एक बॉक्स में देखो एक बॉक्स में कितने कैरन्स है, 79 है. ठीक है, तो हाउ मेनी कैरन्स इन 93 बॉक्स. 93 बॉक्स में कितने होंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट. तो 79 है इसको 93 से क्या करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि एक कैरन बॉक्स में इतने हैं. तो 9 × 3 = 27 के साथ हाथ में तो 7 × 21 = 21 = 22 23 आ गया. 9 × 81 = 8 ठीक है, 9 × 81 = 8 आ गया. 9 × 7 = 63 63 और 8 63 और 8 कितना हो जाएगा 63 8 × 3 = 71 8 × 3 = 11 क्या हो जाएगा 72. तो देखो 7 4 3 7 7 3 4 7 7 3 4 7 7 3 4 7 वैल्यू नहीं है. इट मींस कहीं तो हमने मिस्टेक कर दिया है ना. चल एक बार ढंग से, कहीं मिस्टेक है कहीं नहीं कहीं तो आप डी में कहीं ऑप्शन बना लें 7 3 4 7 दैट इज द आंसर. यही आंसर सही है 7 3 4 यही आएगा क्योंकि आप 79 को 93 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 3 4 7 आपका आंसर आएगा. राइट, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है 7 3 4 7 तो वही रिजल्ट सेम आएगा. ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ क्रिकेट स्टेडियम हैज 456 रो विथ 206 इन ईच रो हाउ सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम. हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द स्टेडियम, कुछ चीजें मिस्टेक्स हैं, इन चीजों को ध्यान रखना थोड़ा सा. अगेन देखो क्रिकेट स्टेडियम हैज इतना रो, यानी एक क्रिकेट स्टेडियम है जिसके अंदर ऐसे जो रो है ना बच्चों 456 है. ठीक है, विद 20 सीट्स और 200 एक रो में 200 सीट्स है. ठीक है, कह रहा है एक रो में कितने सीट्स है 200, तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन अ स्टेडियम. तो स्टेडियम में कितने सीट्स है, तो सिंपल सी बात है 456 को क्या करो 200 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करो आप, ये जो 20 पर है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 × 2 = 12. ठीक है, कैरी 1, 5 × 2 = 10, 1 × 1 = 11 हो जाएगा. ठीक है, 4 × 2 = 8 और ये हो जाएगा 9 और 20 लगा तो कितना हो जाएगा 91200 इज द राइट आंसर. तो इतने सीट्स है उस स्टेडियम में, कितना 91200 सीट्स हो जाएगा. ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा 456 को क्या करना 200, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 20 लगा दो, दैट्स इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. एस्टीमेट द टोटल नंबर्स ऑफ टॉयज बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10 इन देयर आर 143 रो विद 109 टॉय इन ईच रो. अच्छा देखो हमें क्या कह रहा है यहां पे समझिए, कह रहे कि एस्टिमेट करना है टोटल्स नंबर ऑफ टॉय बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10. अच्छा पहले हमें नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ करना है फिर उसका हमें वैल्यू निकालना है. तो देखो
143 को राउंड ऑफ कीजिए कितना आएगा, नियरेस्ट 10 क्या है त्रिमित प्लस को चेक करेंगे तो 140 आ जाएगा। इसका अगर आप राउंड ऑफ करते हो 109 का तो आपको यूनिट प्लेस को करना है, तो ये देखो क्या है 5 से बड़ा है तो लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 11140 को क्या करना है 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल सी बात है मल्टीप्लाई करो। तो पहले क्या करो, आपको 11 को 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दो जीरो लगा देगा तो 14 और ये 14, ठीक है 4 5 1 और दो जीरो लगा दो तो क्या हो गया 15,400, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। ऑप्शन में है 15,400 आ रहा है, 15,400 तो ऑप्शन में ही दिख नहीं रहा है कहीं, है ना। 140 मल्टीप्लाई 110 चेक कर लो जी, 14 को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई 14 आ गया, फिर 14 ही आ जाएगा, ठीक है 4 ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक है 14 और 2 0 है, 1 0 भी 1 0 भी, तो 15,400 आ रहा है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन है नहीं तो एक ऑप्शन डाल दीजिए ई में भी, जैसे उस क्वेश्चन मिस्टेक था, हो सकता है मिस्टेक होगा 15, ये आपका आंसर। आप चाहो तो चेक कर लेना, रिजल्ट यही आएगा 15,400, दैट इज योर रिजल्ट, ओके। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुआ, एक बार फिर से टोटल हमारा कितने हो जाएंगे इसमें 15,400, ओके। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बिट ट्वाइस बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10, इफ देयर आर इतना इज रो एंड इतना इज स्क्वायर, ठीक है इतना ट्वाइस इतना रो है और इतने ट्वाइस है तो कितने होंगे, वो आप सिंपल वी नीड टू मल्टीप्लाई, है ना, देन गेट योर आंसर्स। तो आई होप ये बातें आपको क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी के साथ बच्चों ये टफ 10 क्वेश्चन के सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चंस था, आई होप ये आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी और नए चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।